जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, उन सबको भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कि आपका एक कोड के पेपर किस तरीके से वो लिए जाएंगे, किस तरीके से हमें वो पेपर देना है, उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, आपके पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, आपके जो एग्जाम है वो कब तक होंगे, बीएड के एग्जाम कब तक होंगे, एलएलबी के एग्जाम किस तरीके से होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सबके क्वेश्चंस के भी आंसर मैं आपको करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो एलएलबी वाले बच्चे हैं और उनकी जो डेट शीट जारी की गई थी, तो उनकी जो डेट शीट है अभी उसको कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि फिर दोबारा से डेट शीट जो है वो जारी की जाएगी। अब उसमें यह भी बात आ रही थी कि ऑनलाइन होंगे एग्जाम या ऑफलाइन होंगे, तो साथियों अभी उम्मीद लगाई जा रही है, हो सकता है आपके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है ऑनलाइन के, मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो ऑफलाइन के ही हैं। ऑनलाइन के चांसेस इसलिए बन रहे थे क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज जो है उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कराए थे, तो हो सकता है जो आपके एग्जाम 5% चांस है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम कराए जाए, 95% चांसेस यही है कि आपके जो एग्जाम है एलएलबी के, सिर्फ और सिर्फ मैं एलएलबी की बात कर रहा हूँ, वो आपके ऑफलाइन ही होने वाले हैं, 5% चांस है वो ऑनलाइन हो। अब इससे आगे जिसको लेकर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं कि एक कोड के ही पेपर होंगे, यानी कि जो ये न्यूज चल रही है क्या ये सही है, या इसमें किस किस कोर्सेज के ऐसे पेपर हैं जिनमें एक कोड के ही पेपर होंगे, तो इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो साथियों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कि इसमें एक कोड के पेपर किस किस कोर्स के होने वाले हैं। इसमें जो एक कोड के पेपर होने वाले हैं वो होने वाले हैं जो एनुअल कोर्सेज हैं, जैसे आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन कोर्सेज के जो पेपर हैं उसमें एक कोड के पेपर होने हैं। अब एक कोड के पेपर किस तरीके से होने उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, एक कोड के जो पेपर हैं वो इस तरीके से होंगे, जैसे आपका सपोज दैट हिंदी है, तो हिंदी में जैसे हमारा 3 कोड के पेपर होते थे या 2 कोड के पेपर होते थे, तो अब उसमें से आपको एक कोड का पेपर देना होगा। अब बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब उसमें से हम सर कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमें तो कोड सेकंड का देना था या हमें फर्स्ट कोड का देना था, तो अब उसमें हमें कैसे चुनाव करना होगा कि हम फर्स्ट का दें या सेकंड का दें। देखिए, इसमें जो चुनाव करना है वो आप ही को करना है कि आप चाहें तो आप फर्स्ट कोड का दे सकते हैं, आप चाहें तो सेकंड का दे सकते हैं। यदि किसी कोर्स में 3 कोड के पेपर होते हैं तो उसमें भी आपको 3 में से 1 ही पेपर देना है, और वो चुनाव भी आपको करना है जब आपके यानी कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप जिस कोड का पेपर मांगेंगे वही कोड का पेपर आपको मिल जाएगा, यानी कि 3 में से आपकी चॉइस होगी या 2 में से आपकी चॉइस होगी, जिस कोड का आप पेपर चाहते हैं उस कोड का पेपर आप दे सकते हैं। अब बच्चों का कन्फ्यूजन ये है कि सर हमारे मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो जिस तरीके से आपका वो पेपर जाएगा इसी तरीके से बाकी कोड के मार्क्स आपके उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो है आप समझ गए होंगे, आपकी जो डेट शीट है, डेट शीट अब नई जारी की जाएगी, यानी कि जो हमारे जो पहले एग्जाम की डेट शीट थी अब वो कैंसिल कर दी गई थी, यानी कि जो 2 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने थे अब आपके जो एग्जाम होंगे वो 8 जुलाई से होंगे, और जो नई डेट शीट है वो भी आज या कल में जारी कर दी जाएगी। चांसेस यही है कि 99% के वो डेट शीट आज जारी कर दी जाएगी। तो उस डेट शीट में जैसे हमारे 3 पेपर यानी कि 1 सब्जेक्ट के 3 कोड हैं, तो उसमें जो तीनों कोड के पेपर एक ही दिन होंगे। अब उसमें से आपको एक कोड का पेपर करना है, जो भी आप चाहते हैं वो पेपर आप ले सकते हैं, वहां पर चुनाव कर सकते हैं कि सर हमें इस कोड का पेपर देना है तो इस पेपर कोड को हमें दे दीजिए, तो आपको उसी पेपर कोड को आप एग्जाम दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर बाकी कोड के आपके जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। तो अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको जो पेपर है वो किस तरीके से देना है। दूसरा है जो हमारा एमए या एमकॉम है, एमए एमकॉम जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, तो उनका इस बार मौखिक परीक्षा यानी कि वाइवा नहीं होगा, वाइवा इस बार कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जो हमारा प्राइवेट एमए एमकॉम है तो उनका वाइवा इस बार नहीं होने वाला है। दूसरा है जो बीएड के हमारे एग्जाम होने थे बीएड सेकंड ईयर के सितंबर में, तो उस डेट शीट को भी कैंसिल कर दिया गया है, उनकी नई डेट शीट जारी की जाएगी और उनके जो एग्जाम होने वाले हैं वो जुलाई में ही होने वाले हैं, यानी कि जो बीएड 2 ईयर है उसमें सेकंड ईयर के जो एग्जाम है वो जुलाई और अगस्त में ही कराए जाएंगे।
तो इस तरीके से जो आपके दूसरा एक बच्चों को और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सेमेस्टर मोड वाले कोर्सेज हैं जैसे हमारा बीबीए है, बीसीए है, जितने भी और बाकी कोर्सेज हैं उनमें ऐसा नहीं है, यानी कि उनको जैसे कि एक कोर्ट के पेपर देने उनके लिए चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये उन कोर्सेज के लिए है, आपका जो कोर्स हमारे एनुअल कोर्सेज है जैसे आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, और जो हमारे उसमें एग्जाम हो रहे हैं वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तो ये दोनों ही ईयर के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही ईयर वालों के लिए ये कंडीशन सेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि फाइनल वालों के लिए अलग है और सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग है, तो दोनों के लिए ही कंडीशन सेम है, दोनों को ही ऑप्शन चूज करने का मौका मिलेगा कि उसमें से वो एक कोड का ही पेपर देना है आपको, जो कोड आप चाहते हैं उसी का पेपर आपको मिल जाएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से नोटिस जारी होता है, डेट शीट जारी होती है, या जो भी कोई न्यूज आती है सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, उसको मैं अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर देता हूं। सबसे पहले फेसबुक पेज पर मैं अपडेट करता हूं, तो उसके लिए आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं अमित चौहान सर के नाम से, तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा, तो उस पर जितनी भी एजुकेशनल अपडेट होती है वो सब सारी चीजें वहां पर अपडेट मैं करता रहता हूं। साथियों अब आगे बात करते हैं, आगे है हमारा जो डेट शीट है वो कब तक जारी कर दी जाएगी, जो यानी कि जो नई डेट शीट है, तो साथियों 99% चांसेस ये हैं कि जो आपकी नई डेट शीट है वो आज जारी कर दी जाएगी, और हो सकता है यदि आज जारी नहीं की जाती है तो मंडे में 110% आपकी डेट शीट जारी कर दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं, बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जो आपका रिजल्ट है अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, अभी जो आपका रिजल्ट है हो सकता है जो आपका नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कॉपियां चेक होना बाकी रही है, तो उसके बाद में मार्क्स अपलोड होंगे, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो हो सकता है आपका जो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। इससे आगे बात करेंगे पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो पेपर के फॉर्मेट में जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, यानी कि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते थे, तो वो आपका पेपर 1.5 घंटे का होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, उसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चंस आपको 1.5 घंटे में करने होंगे, आपका जो टाइम होगा वो 1.5 घंटे का होगा और 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको जब पेपर आपका स्टार्ट होगा, पेपर स्टार्ट होने से पहले सब सारी चीजें बता दी जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो आपकी डेट शीट है वो आज जारी कर दी जाएगी, जैसे ही डेट शीट जारी होगी तो मैं उसको फेसबुक पेज पर अपने अपडेट कर दूंगा, और साथ के साथ उस पर वीडियो भी अपलोड इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। इससे आगे बात करें, जो एक्स और बैक वाले बच्चे हैं, जिन्होंने एक्स या बैक अपनी भरी थी, वो भी काफी परेशान है, या अपना इम्प्रूवमेंट भरा था, तो उनके बारे में भी बहुत जल्द डिसीजन आने वाला है, उस पर भी कल चर्चा की गई थी, तो हो सकता है आपका जो एग्जाम है एक्स और बैक वालों के, पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो अक्टूबर में कराए जाएंगे, हो सकता है अब वो बहुत जल्द कराए जाएं, तो यानी कि एक्स और बैक वाले बच्चे भी परेशान ना हो, उनके लिए भी 1 या 2 दिन में डिसीजन आ जाएगा। ये कंफर्म है कि उनके एग्जाम कराए जाएंगे, प्रमोट उनको नहीं किया जाएगा, तो अपनी आप तैयारी में लगे रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, जैसे ही कोई अपडेट आती है, आज डेट शीट आती है या जो भी कोई अपडेट आती है, वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। 99% चांसेस यही है कि आज डेट शीट जारी कर दी जाएगी, तो जैसे ही डेट शीट जारी होगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।